अरे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, उसको लग गई यार। अरे यार नहीं लगी, मैं दो बार गिर गया। डैम बच गए यार, पता नहीं क्या दिमाग पे सूजी। अबे वो गिर गए बे, अपने वाले गिरे गए। मैं बता रहा हूँ टर्न तक सही था, उसके बाद पता नहीं क्या सब ब्लैंक हो गया और मैं नीचे उतर गया। एंड आई वाज लाइक फक ब्रो यहाँ कुछ है भाई, मैं गिरते गिरते बचा हूँ और जस्ट बाद तुम लोग चपेट में आ गए उसकी। भाई थैंक यू सो मच यार, मिलो आप बाकी वहाँ के। हाँ भोपाल आओगे तो अगला राइड मिलते हैं। गांव वालों को सुना दो, उठा लेंगे। हाँ एक बार सुना दो, गांव वालों सुना दो, अच्छे सुना दो, एक बार सुना दो, मेरे को भी सुनना है यार। दीदी ऐसे क्या कर रहा था? नहीं सुना मैंने, आप सुनाओ यार। गाइस यहाँ पे लग गई है कील और आई एम नॉट श्योर अभी तो यहाँ पे कोई पंचर वाला होगा कि नहीं, बट या अब हम लोग इसका ये वहीं से निकलवाना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे कील लगी है, कि यहाँ पे लगी है छोटी छोटी कील है, काफ़ी लग गई है बाइक में। सो या अब तो वैसे टायर चेंज कराने का टाइम आ ही गया है, सो इट्स लाइक जल्दी से जाते हैं और फिर टायर चेंज करा लेंगे। सो या चलें। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना कि रुकने में भी ऐसा लग रहा है अरे मत रुको यार, चलो बस चलते रहो, रुको मत कहीं भी। बच गए यार, पता नहीं क्या दिमाग पे सूजी। अबे वो गिर गए बे, अपने वाले गिरे गए। कौन गिरा? मैं बता रहा हूँ टर्न तक सही था,
उसके बाद पता नहीं क्या सब ब्लैंक हो गया और मैं नीचे उतर गया एंड आई वाज लाइक फक ब्रो यहाँ कुछ है भाई। मैं गिरते गिरते बचा और जस्ट बाद तुम लोग चपेट में आ गए उसकी। मैंने गाड़ी स्लो करके साइड कर ली थी भाई। जब मैं इधर मैंने क्या कर रहे हैं नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है अपना नहीं है अपना भाई ये बहुत गंदा टर्न है मेरे भाई। मेरी गाड़ी आज तक रोड के नीचे नहीं गई है। अगर मेरी नीचे चली आती तो कोई निकाल भी नहीं पाता मेरी गाड़ी। तुम्हारे पहले जस्ट मेरी उतरी एंड आई वाज लाइक फक ये क्या हुआ और उसके बाद तुम्हारी उतर गई और उसी जगह से उतरी। अरे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ उसको लग गई यार। अरे यार दो बार गिर गया। नहीं अबे भाई कुछ तो हुआ था भाई। भाई मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ किसी का स्थान है। मैं वहाँ तक आया वहाँ तक सब सही था उसके बाद ब्लैंक हो गया पूरा ब्लैंक हो गया पूरा ब्लैंक हो गया एंड आई वाज लाइक भाई पूछो ना ये गाड़ी नीचे उतर गई थी मेरी बच गया मैं और जस्ट बाद तुम लोग गिरे। उसके बाद ये पीछे मोड़ा तो मैंने बोला अभी ये किसके लिए जा रहे हैं मैं तो बच गया। नहीं नहीं मतलब यहाँ भाई किसी का स्थान है यहाँ भाई। इस जगह किसी का स्थान है धोख दे दो और चलो यहाँ से चलो भाई। मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं ब्लैंक हो गया हूँ बाइक पे भाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ की वाइब्स मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। यहाँ से चल दो थोड़ा आगे रुक जाना यहाँ से चल दो भाई। अरे मैं चला लूंगा भाई। कुछ था वहाँ कुछ है वहाँ भाई। मेरी गाड़ी कभी इसके नीचे नहीं उतरी है आज देखा ना बच गया मैं भगवान की दया से। मैं रेल पे चला रहा था और एडी भैया अभी कॉर्नर पे पहुंचे ना तभी मेरी गाड़ी कॉर्नर पे पहुंची है। रोड पे तीन की गाड़ी। मैं बीच रोड पे था भाई। मैं कभी कर्व्स करता ही नहीं हूँ। मैं नीचे उतर गया एंड आई वाज लाइक कि ये मैंने बोला भी कैमरा में फक ये क्या हुआ मतलब ऐसा लगा मैं गायब कुछ दिख ही नहीं रहा सब ब्लैंक था। एक्चुअली ये सब चीज़ें होती है स्पिरिट्स एंड ऑल। कुछ था वहाँ पे ऐसा जिसने मेरी गाड़ी नीचे खींची और पता नहीं भगवान की दया से अपन मेरे सिर्फ अच्छे कर्म मेरे सामने आ गए ट्रस्ट मी। मैं ब्लैंक हो गया था ब्लैंक मतलब पूरा वाइट। उसके बाद कुछ मुझे दिखा ही नहीं और फिर एकदम जब बाइक नीचे उतरी आई वाज लाइक ये क्या हुआ। आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी और भगवान की दया से मैं बच गया। मेरे कर्मों ने मुझे बचा लिया ट्रस्ट मी। अब उसके बाद जस्ट मैं हटा और भाई लोग वहाँ नीचे गिर गए। यहाँ दिखा है मुझे ढाबा एंड आई एम प्लानिंग कि मैं यहाँ रुकूँ। मैं एक बार आया हूँ यहाँ पे ट्रस्ट मी एक बार उस टाइम तो अच्छा था भाई। आप भी खाओगे ना? हाँ बस भाई ठीक है क्योंकि भाई अब नहीं हो पा रहा अब हो ही नहीं पा रहा भाई। वो इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा भाई। पता नहीं वहाँ कुछ ना कुछ रूह ऐसी थी भाई या कुछ था भाई। होती है लोग नहीं मानते भाई। मैं पता है मेरे भाई मैं बीच रोड पे चलता हूँ कभी मैं टर्न्स पे ऐसा नहीं करता वो सारी हरकतें नहीं करता। आज भी बीच रोड पे चल रहा था वो जब टर्न लिया ना ब्लैंक हो गया पूरा वाइट आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखा और फिर देखा तो मैं रोड के नीचे उतर चुका हूँ और मेरे को लगा गया भाई आज ऊपर भगवान को याद किया ऊपर वाले को बच गया मैं। फिर मैं ऊपर चढ़ा और फिर वो लोग पीछे आए और वो लोग भी उसी स्पॉट पे नीचे उतरे तो कुछ तो बात है ना। फिर वहाँ पे किसी का क्लच लीवर भी टूटा हुआ पड़ा हुआ था फिर कुछ तो है ना भाई उस जगह पे। फिर सो गाइज काफ़ी देर बाद हाईवे पे रुके हुए हैं हम लोग और इट्स लाइक एक ढाबे पे रुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा यू नो ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी और अंदर भी अजीब सा लगने लग गया था प्लस दैट इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि अब फाइनली कुछ खा लेना चाहिए सो आई एम हैविंग दिस कोल्ड ड्रिंक राइट नाउ और पराठे ऑर्डर कर दिए आलू के तो कुछ ही देर में आलू के पराठे बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे उसके बाद वापस घर जाएंगे। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और दूर है भोपाल तो थोड़ा टाइम और लगेगा बट या लेट्स सी। अब हम लोग खाने वाले हैं बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ये पास करो आगे आगे बढ़ाओ। सो गाइस फाइनली हो गया हमारा खाना अंकल के यहाँ पे। बहुत अच्छा खाना था और मतलब खाना ही हो गया एक तरीके से क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और फिर सीधा जब खाया तो शाम को खाया। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर भोपाल और मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की आशंका लग रही है मुझे बट अभी हवाएं तो बहुत अच्छी चल रही है।
तो एनीवेज मजा आएगा आगे भी राइड में। आगे पानी मिलेगा, बारिश हो रही भाई। मैं यहाँ से वो पैक करा रहा हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ से कराते हैं। तो अगर आपको निकलना है तो निकल जाओ, नहीं तो 5 मिनट दो, मैं बस पैक करा रहा हूँ। जैसा आप करा लूँ चलेगा ना? यहाँ के फेमस है, इतनी बड़ी मावा बाटी देते हैं, और चाहो तो यहाँ खा भी लो, मतलब बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। हाँ मैं तो खाऊँगा एक, मतलब यहाँ के फेमस है। अरे तुमने नहीं खाए क्या? अगली बार आओगे ना तो 10 बार भाई, मेरे पापा जब जब यहाँ आते हैं मैं हमेशा मंगवाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है ये भाई। मैं गुलाब जामुन का फैन नहीं था, बट यहाँ की एक बार मावा बाटी खा के देखो। राइड के लिए याद करना, बाकी बैठे रहो, बैठे बैठे रहो। चलो भाई मिलते हैं जल्दी, है ना? मैं आगे से टर्न ले लूँगा लेफ्ट, आप लोग तो स्ट्रेट जाओगे भाई, आपको आगे पहुँचा देगा, फिर वहाँ से आप निकल जाना, है ना? चलो भाई ठीक है, हाँ चलो। फाइनली आ गए हैं भोपाल वापस लौट कर, और अभी बज गए हैं शाम के 6:24, मतलब सुबह से निकले हुए हैं 6 बजे से और शाम के 6:30 बज गए हैं। 12 घंटे हो गए हैं राइड के कंप्लीट होके, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, घर पहुंचने में टाइम है अभी। चलिए चलो तड़ा तड़ा भाई, ठीक है मिलते हैं। निकलूँ मैं और ग्रुप क्रिएट करके वो भेज देना। चलो ठीक है, हाँ